Once again, I am Dr. Rameshwar, orthopedic surgeon, entrepreneur, social activist, chairman of Sri Sai Group of Hospital and Glopia Pharma. I am proud father of two sons and husband of a lovely woman working on a mission to save 1 million knee joints across the globe without surgery in osteoarthritis patients. Ladies and gentlemen, how are you? मैंने एक पिछली बार वीडियो बनाया था, इसमें बताया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के अगर पेशेंट हैं तो उनको घुटने के लिए कौन सा आसन करना, कौन सा योगा करना और कौन सा योगा नहीं करना। आज मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि क्या आप एक नॉर्मल पर्सन हैं, आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आपको घुटने में कोई तकलीफ है नहीं है, तो आपको कौन सा आसन करना चाहिए और क्या आपको योगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं कि घुटने के लिए हर योगा, खास करके नमाज वाला जो पोस्चर है या वज्रासन का जो योगा है, ये बहुत ही यूजफुल है। अगर आपके घुटने अच्छे हैं तो आप यंग आदमी हैं, आप जवान आदमी हैं, आप एक्टिव आदमी हैं, आपको घुटने की कोई तकलीफ नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप घुटने को अपना हेल्दी रखना चाहते हैं, आप घुटने को फिट रखना चाहते हैं, घुटने को यंग रखना चाहते हैं, क्योंकि एक कहावत है, यू आर एज यंग एज योर नी, आप उतने ही जवान हैं जितना आपका घुटना जवान है। एक बार घुटना बूढ़ा, आप भी बूढ़े। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका घुटना जवान हमेशा रहे, तो आप ये जो वज्रासन वाला योगा है या फिर ये जो नमाज पढ़ते हैं, जो घुटने के बल बैठ के और जिस तरह से नमाज पढ़ते हैं, ये बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इसके कारण से क्या होता है कि कार्टिलेज पे थोड़ा स्ट्रेस पड़ता है, इसमें कार्टिलेज के ऊपर जो साइनोवियल फ्लूइड का सर्कुलेशन बढ़ता है, वो बहाव बढ़ता है, उसमें प्रेशर पड़ने से बाकी भी कार्टिलेज का रिजेनरेशन पावर्स को भी थोड़ा सा बूस्ट होता है। ऐसा तो बोलते हैं कि रिजेनरेशन नहीं होता है, लेकिन ये सभी आसन या कोई भी आसन जिसमें घुटने पे जोर पड़ रहा है, एक नॉर्मल आदमी अगर करे तो उसका घुटना मजबूत होगा और लॉन्ग टर्म में उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की खतरा कम होगी। तो लेकिन फिर भी अगर आपको घुटने की तकलीफ है, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप्ड हो गया है, तो आपको ये योगा नहीं करना है। और आपको कौन सा योगा करना है, कौन सा एक्सरसाइज करना है, इसके लिए मेरा एक पुराना वीडियो है जिसको आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने के तकलीफ वाले लोगों को कौन सा योगा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसका लिंक भी मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो आपके काम का था तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। चलिए हाथ मिलाइए और आप भी हमारे इस मिशन में मेरा सहयोग करिए। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।